प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे छठी कक्षा में चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मैंगोज। अगला आगे पढ़ेंगे देयर वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। पत्नी बाजार में दूर चली गई और किसान घर पर, उसको कोई काम नहीं था, इसलिए उसने डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय लिया, फैसला लिया। डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर जाने का निर्णय लिया। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, वह अपने खेत की देखभाल करने के लिए चला गया जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। जो सब खेत था ज़्यादा दूर नहीं थे, वो उनकी देखभाल करने के लिए चला गया। ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स, उसने कुछ दोस्तों को उस खेत की ओर वापस आते हुए देखा। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और उसके उनके वापसी आने में ज़्यादा समय नहीं लगा या नहीं था। द फार्मर वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। किसान की पत्नी बाजार से एक भारी टोकरी भरकर सामान की लेकर वापस आई। शी फाउंड द मैंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। प्यारे बच्चों, यहाँ फेस होता है चेहरा, मुंह, पाज होते हैं पंजे। ब्लड मीन्स होता है खून, एंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। शी फाउंड द मैंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। उसने नेवले के पंजे और चेहरे पर खून लगा हुआ देखा जो कि प्रवेश द्वार के ऊपर बैठा हुआ था, घर के बाहर बैठा हुआ था। शी जंप टू कंक्लूजन दैट इट वॉज हिज सन्स ब्लड। उसने एकदम निर्णय निकाल लिया, निर्णय पर पहुंच गई कि यह उसके बेटे का खून था। जो उसके मुंह पर पंजों पर, नेवले के मुंह के ऊपर, पंजों के ऊपर खून लगा हुआ था, उसने ऐसा विश्वास कर लिया कि यह उसके बेटे का खून था। एंड द मैंगोज वॉज द गिल्टी वन, और उसने इस बात का निर्णय कर लिया कि वह नेवला एकदम इस बात का दोषी है। गिल्टी होता है दोषी होना। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। यहाँ पर बेटा, प्यारे बच्चों, ग्रोसरीज का अर्थ क्या होता है? सामान। किसान की पत्नी खरीदारी करने के बाद वापस घर पर, जो कि एक टोकरी सामान से भरकर लेकर आई थी, शी सॉ द मैंगोज सीटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने नेवले को घर के बाहर बैठे हुए देखा जो ऐसा लगता है जैसे कि वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। उसने उसका स्वागत किया। एंड वॉज कस्टमरी, जैसी यह प्रथा हो। कस्टमरी का अर्थ क्या होता है? प्रथा, यानी पहले से चली हुई प्रथा हो। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मैंगोज एंड स्क्रीम्ड। किसान की पत्नी ने एकदम उस नेवले की ओर देखा और वह स्क्रीम्ड मीन्स होता है क्राइड, चिल्लाना, चीखना। वह नेवले के ऊपर चीखी, चिल्लाई, ब्लड, खून। शी क्राइड, वह चीखी चिल्लाई। द फेस एंड पाज ऑफ मैंगोज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो नेवले के का चेहरा और पंजे खून के साथ सने हुए थे, धंसे हुए थे। शी विक्ड द यू विक्ड एनिमल, तुम एक दुष्ट जानवर हो। विक्ड मीन्स क्या होता है? दुष्ट। शी वॉज ब्लाइंड विद रैग एंड विद ऑल स्क्रीम हिस्ट्रिकली। शी स्क्रीम, शी यू
हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह उत्तेजित होकर उसके ऊपर चीखी चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रैग एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। वह एकदम उसके ऊपर टूट पड़ी और उसने पूरी ताकत के साथ जो भारी टोकरी सामान से भरी हुई थी उसको पटक दिया, जमीन पर पटक दिया गुस्से में। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मैंगोज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रैडल, जो सना हुआ नेवला था वो बच्चे के पालने के पास दौड़कर गया। द बेबी वॉज फास्ट एजलीप, बच्चा गहरी निद्रा में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहाँ फर्श के ऊपर एक काला नाग, काला सांप टूटा हुआ, टोर्न कटा हुआ, खून से सना हुआ पड़ा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, एक झटके में उसने अनुभव किया, सोचा व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज, उसने चारों ओर नेवले को देखा, ढूंढा। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया है, मार गिराया है। व्हाट हैव आई डन, अब मैं क्या करूं। शी क्राइड टचिंग द मैंगोज, उसने जो नेवला था उसको छूते हुए चीखी चिल्लाई। यू ले डेड एंड स्टिल, तुम मरे हुए पड़े हो और शांत हो। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, अनजाने में जो उसकी जो सुबकियाँ निकल रही थी, द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी जो कि जिसका जो ये काम था एकदम बिना सोचे समझे, हैस्टली होता है बिना सोचे समझे जो उसने काम किया, एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज, और वह लंबे समय से नेवले की ओर, मरे हुए नेवले की ओर देखती रही, उत्सुकता के साथ देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बेबी को चीखते चिल्लाते हुए सुना। वाइपिंग टीयर्स, आँखों में आंसू पहुँचते हुए, शी वेंट इन एंड फीड हिम, वह अंदर गई और उसको दूध पिलाया। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ है ये पूरा कर चुके हैं यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों, ये था इसका मीनिंग का था क्या, बिना सोचे समझे, कोई बिना उतावलेपन में, कोई बिना काम नहीं करना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, आप भी इस बात से शिक्षा लें। हाँ, ये